एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रॉक एंड अम्मास किचन। और जैसे आप देख सकते हैं, आज ये तो लग रहा है आज बेकिंग हो रही है, तो आइए अम्मा को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, मुझे प्रेशर कुकर भी नज़र आ रहा है और ये इंग्रेडिएंट्स देखकर तो कुछ बेकिंग का सामान लग रहा है। आज हम केक बना रहे हैं बहुत आसान तरीके से, कुकर में, प्रेशर कुकर में केक। प्रेशर कुकर ज़बरदस्त। तो फिर प्रेशर कुकर में स्पंज केक बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आपको चाहिए होंगे 4 अंडे की जर्दियाँ, 4 अंडे की सफ़ेदी, 1 कप मैदा, 1 कप आइसिंग शुगर या बिल्कुल जो पाउडर्ड शुगर होती है वो, या चीनी को पीस लें या चीनी को भी पीस सकते हैं बिल्कुल, और 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून आपको चाहिए होगा वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, और आपको 1/4 कप जो है मिल्क भी चाहिए होगा, वो ज़रा कोने पे पड़ा हुआ है दिखा देंगे, और 1/4 कप जो है आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए होगा। माँ आप बताएं, ये जो मज़ेदार केक आप प्रेशर कुकर में बना रही हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स और इसकी इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए थे, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें, अब हमने ये डाला है अंडों का सफ़ेदी डाली, 4 एग वाइट्स डाली हैं। ब्लेंड करना है जब तक ये पूरा फोम ना बन जाए। ठीक है, ना बन जाए। ये एक फोम की शक्ल में आ गया है, जो अंडे की सफेदी थी। हाँ, बिल्कुल फोम बन गया है। आप इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर थोड़ी थोड़ी करके ना, और इसको इसी तरह ब्लेंड करते रहेंगे। अब इसमें 4 अंडों की जर्दी डालेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डाल देंगे। एक चौथाई कप ऑयल डालेंगे, अब 1 कप मैदा ले रहे हैं और इसको अम्मा जो थोड़ा है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, शिफ्ट करेंगे और इसी में डाल दो वो सोडा और वो। ओके, मैं डालती हूँ। इसमें आप डालेंगे 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर चला जाएगा, साथ ही इसको शिफ्ट कर देंगे, और इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो सोडा, बेकिंग सोडा चला जाएगा। मैं मैदा वैदा सब जो है, मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर सिफ्ट करके डाल दिया था, अब बस इसको आपने मिक्स करना है इस तरह के इसके अंदर एयर बने, ताकि आपका केक बहुत ही मॉइस्ट और स्पंजी और मज़ेदार टेक्सचर का बने। ये देखें, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दूध डालेंगे, 1/4 कप आप इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से विस्क करेंगे। जी अम्मा, हमारे केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम कुकर में डाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आप चलें, ये थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं और पूरे प्रेशर कुकर को इससे ग्रीस अच्छे से करना है, क्योंकि जो केक है वो किसी मोल्ड में या सांचे में नहीं बन रहा, वो इसी प्रेशर कुकर में बनेगा, तो आपको अच्छे से जो है इसको पूरा ग्रीस करना है, फिर हम इसमें बटर पेपर भी डालेंगे। अम्मा आपने तवा रख दिया, अब तवे को क्या करना है? तवे को 5 मिनट गर्म करेंगे हल्की आंच पे गर्म करेंगे, फिर इसके ऊपर कुकर रख के हम आधे घंटे के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ये 5 मिनट तक गर्म होगा। तवा 5 मिनट्स में लो फ्लेम पे अच्छा गर्म हो गया था, उसके ऊपर प्रेशर कुकर रख दिया, प्रेशर कुकर को अच्छे से अम्मा ने ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर उन्होंने कट करके डाला और उसको भी ग्रीस कर लिया, और अब वो मोमेंट आ गया है कि हम इस बैटर को डालेंगे। चलें जी, चलिए पूरा बैटर डाल दिया है, अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे, लॉक कर देंगे। इसके ऊपर वेट नहीं रखना। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर वेट नहीं रखना है और ये 30 से 40 मिनट तक आपको अराउंड समझो 40 मिनट्स तक लो फ्लेम पे आपको इसी तरह चूल्हे पे रहने देना है, और इंशाल्लाह उसके बाद हम देखेंगे जो मैजिक होगा। सो आप देख सकते हैं इसको
कुकर से निकाल लिया है मैंने, यहाँ से थोड़ा सा लूज़न अप कर दिया है। ये ध्यान रहे जब ये पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको कुकर से निकालना है और उसके बाद ही आपने ये बटर पेपर निकालना है। मैंने थोड़ा ज़रा ज़्यादा देर इसको रहन दिया तो हल्का सा ये कम्प्लीटली हटा लिया है। और ऑलराइट जी, तो अब इसको कट करते हैं और देखते हैं कि कैसा यमी केक बना है। तो स्लाइस जो है मैंने कट कर लिया है एंड ओके जी, फाइनली कितना मज़ेदार लग रहा है, इतना स्पंजी। और बल्कि अभी मैं आपको इसको पकड़ के भी दिखाती हूँ और आपके देखें कितना मॉइस्ट है, कितना स्पंजी है। आप चाहें तो इसे चॉकलेट के साथ टॉप कर सकते हैं, इसके ऊपर क्रीम लगा सकते हैं, फ्रूट साथ में टॉप कर सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी बना है। मैंने इसको टेस्ट भी किया एंड इट वाज एक्चुअली रियली गुड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मुझे और अम्मा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से बहुत जल्द मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।